दोस्तों थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर नेमोर और हल के बीच कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना भाई, बहुत मजा आने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों। अगर मार्वल वाले नेमोर का कंपैरिजन इस वाले हल्क से कर रहे हैं तो डेफिनेटली नेमोर हल्क से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एमसीयू में हल्क को हमेशा से ही वीक और अंडररेटेड ही दिखाया गया है। तो अगर इस वाले हल्क की बात हो रही है तब तो नेमोर जिंदाबाद। लेकिन 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 कॉमिक्स में हम जिस हल्क को जानते हैं उसके साथ अगर नेमोर का कंपैरिजन करेंगे तब जाकर कांटे की टक्कर होगी। तो इसलिए आज हम यहाँ कॉमिक से भी हल्क और नेमोर का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एमसीयू में इनके काफी सारे पावर्स को नहीं दिखाया गया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि नेमोर कितना पावरफुल है। फ्रेंड्स, फिल्म में तो नेमोर के पावर का सिर्फ 10% ही दिखाया गया है, जबकि कॉमिक्स में नेमोर की पावर सच में अनबीटेबल है। गुरु नेमोर हर तरह के वाटर कंडीशन और डीपेस्ट सी लेवल के प्रेशर को भी झेल सकता है, और इसकी बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बुलेट प्रूफ है। अगर ये वाइब्रेनियम ना भी पहने तब भी बुलेट्स इसके शरीर को भेद नहीं सकती। और नेमोर की आई विजन काफी ज्यादा पावरफुल और एक्यूरेट है, ये पानी के अंदर काफी गहराई तक बड़े ही आसानी से देख सकता है। गाइस, नेमोर समुद्र में सुनामी ला सकता है, समुद्र के हर जीव को कंट्रोल कर सकता है और उनसे अपना काम भी करवा सकता है। दोस्तों, नेमोर एक फुल साइज जायंट शिप को बड़े ही आसानी से उठा सकता है, और इसके पैरों में जो पंख लगे हैं उनकी मदद से ये साउंड की स्पीड से उड़ सकता है। नेमोर के अंदर कमाल का अंडर वाटर हीलिंग फैक्टर है, यानी वाटर से वो खुद को मिनटों में हील कर सकता है। कॉमिक्स में नेमोर हरकुलिस को भी बराबर की टक्कर दे चुका है, जबकि हरकुलिस को द गॉड ऑफ पावर कहा जाता है, लेकिन फिर भी नेमोर इसे बराबर की टक्कर दे रहा था। और जब कैप्टन मार्वल, थॉर और आयरन मैन नेमोर पर एक साथ अटैक करते हैं तो ये तीनों का अटैक अकेले ही रोक लेता है। नेमोर ने सेंट्री जैसे पावरफुल कैरेक्टर की भी एक ही पंच में हालत खराब कर दी थी। और सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है, जिसे बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर हमारा नेमोर इसे भी कड़ी टक्कर दे चुका है। और कॉमिक्स में नेमोर अपने दोनों हाथों से एक पूरे आइलैंड को उठा चुका है और ये बड़े से बड़े शिप के दो टुकड़े कर चुका है। तो ये तो बात हुई नेमोर के पावर की, अब बात कर लेते हैं नेमोर के वीकनेस की। दोस्तों, नेमोर को अगर पानी से ज्यादा देर तक दूर रखा जाए तो नेमोर की पावर कम होने लगती है, जैसा हमें फिल्म में भी दिखाया गया है। और ज्यादा गर्मी से भी नेमोर का शरीर डिहाइड्रेट होने लगता है, जिससे बॉडी में ऑक्सीजन इम्बैलेंस होने से नेमोर वीक बनने लगता है। गाइस, अब बात कर लेते हैं हल्क की। तो हल्क के ओरिजिन के बारे में तो हम सबको पता ही है, तो सीधा इसके पावर्स और एबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। गाइस, हल्क के पास सुपर रीजनरेशन सेल्फ हीलिंग पावर है, जिससे ये बड़े से बड़े डैमेज को भी बड़ी ही आसानी से हील कर लेता है। गाइस, नेमोर को खुद को हील करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, पर हल्क को खुद को हील करने के लिए किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। उसके शरीर में बहता हुआ गामा ही उसे हील करने के लिए काफी है। इसीलिए तो हल्क एंड गेम में स्नैप करने के बाद भी अपने इतने ब्रूटली डैमेज हाथ को भी इतनी आसानी से ठीक कर लेता है। गाइस, हल्क की चमड़ी बहुत मोटी है, तो इसके शरीर पर बुलेट्स, यहाँ तक कि मिसाइल्स का भी कोई असर नहीं होता। हल्क सिर्फ एक जंप में ही एक पूरा कॉन्टिनेंट पार कर सकता है, सिर्फ एक जंप में। और हल्क अपने थंडर क्लैप से बहुत ही पावरफुल शॉक वेव्स पैदा कर सकता है, जैसा कि हमने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। और एक बार कॉमिक्स में हल्क ने अपने एक स्मैश से एक पूरे प्लैनेट के दो टुकड़े कर दिए थे और प्लैनेट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। कॉमिक्स में हल्क पूरे एवेंजर्स की टीम को, फैंटास्टिक फोर और सेंट्री को भी हरा चुका है। और एक बार हल्क ब्लैक बोल्ट जैसे पावरफुल कैरेक्टर के अटैक को भी झेल गया और फिर ब्लैक बोल्ट की हालत खराब कर दी। कॉमिक्स में हल्क ने एक प्लैनेट को ही उसके ऑर्बिट से दूर फेंक दिया था। और अब बात करें हल्क के सबसे बड़े स्ट्रेंथ की, तो इसका गुस्सा ही इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। गाइस, हल्क जितना गुस्सा होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा और उतनी ही ज्यादा उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। गाइस, हल्क की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, ये किसी से भी कितने भी देर तक लड़ सकता है और इसे जितना भी मारो इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता और ना ही ये आसानी से हार मानता है। और इसकी तो कोई वीकनेस भी नहीं है, बस शर्त है कि कोई इसके दिमाग से ना खेले। तो अगर नेमोर और हल्क की फाइट अंडर वाटर हुई तब तो नेमोर हल्क पर भारी पड़ेगा, लेकिन अगर इसकी फाइट जमीन पर हुई ना, जहां पर दूर दूर तक पानी का नामो निशान ना हो,
तब तो भाई हल्क नेमोर को चीर डालेगा। तो जमीन पर हल्क को नेमोर नहीं हरा सकता और पानी में नेमोर को नहीं हराया जा सकता। और जाते जाते हल्क के दो पावरफुल मोमेंट्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कॉमिक्स में एक बार हल्क ने एक बहुत बड़े माउंटेन को उठा लिया था जिसका वजन 5000 बिलियन टन था। और एक बार जब हल्क का सामना एक ड्रैगन से होता है तो दोनों में फाइट होती है और ड्रैगन हल्क पर आग की बारिश करता है, पर हल्क को कुछ नहीं होता और हल्क उसे पकड़कर इतनी ताकत से फेंकता है कि वो सीधा मून पे जाकर गिरता है। लेकिन इन मार्वल वालों ने हल्क को जोकर बनाकर रख दिया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में किसी नए फिल्मी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।